इस सिलसिले में ये कहा जाता है आमतौर पे कि ज़बानें तो हर हालत में इर्तिकाई हालत में होती हैं, और शेक्सपियर की ज़बान वो नहीं जो चौसर की, और उसके बाद मिल्टन की वो ज़बान नहीं जो शेक्सपियर की, और गालिब की वो ज़बान नहीं जो बाद में इकबाल की ज़बान है, वगैरह वगैरह। हो ये रहा है कि हमारे यहाँ मीडिया पे जो ज़बान आ रही है बिलखुसूस, उसमें जो ज़बान का सिंटैक्स है या जो सांचा है वो तो असलन उर्दू ही होता है, लेकिन जो मानवी जो तसव्वुरात हैं वो सारे के सारे हम अंग्रेज़ी से वो परमानेंट लोन के तौर पे हासिल कर लेते हैं। और वो फिर एक छोटी सी मिसाल है, आजकल मसलन वालदैन जो बच्चों को ज़बान सिखा रहे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि मसलन उर्दू में रंगों की तकसीम और रंगों का फ़र्क बताने के बजाय बच्चों को ये सिखाएं कि ये ब्लू है, येलो है, ये रेड है, ये ऑरेंज है। हालांकि वो महज ये नहीं है कि सिर्फ रंगों का फ़र्क हो, बल्कि वो उर्दू में जो उसके लिए अल्फाज हैं उनका हमारी जो पूरी तहजीबी अकदार का पूरा एक फ्रेमवर्क है उससे इंतहाई गहरा तहजीबी ताल्लुक है। और ये हम अपने बच्चों में बहुत इब्तदा से पूरे ताल्लुक को कमज़ोर कर देते हैं। जिंदगी है।